हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहाँ सिर्फ ₹1 डाउन पेमेंट पर आपको मिलेगी अपनी मनपसंद टू व्हीलर, साथ ही मिलेगा स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट एससी स्टैंड, भिवंडी। नाकाबंदी में गौवंश मांस के 2 तस्कर गिरफ्तार। चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी क्रम में नारपोली पुलिस ने मुंबई नासिक हाईवे के पास ओली गांव के नजदीक एक संदिग्ध टेम्पो को रोककर उसकी तलाशी ली। इसी टेम्पो से 2000 किलो मांस, जिसकी कीमत टेम्पो से 3,10,000 रुपए थी, पुलिस ने किया जब्त। नारपोली पुलिस और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर रही आगे की जांच। 1,66,000 रुपए की बिजली चोरी का हुआ मामला दर्ज। टोरेंट पावर में एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत गौरी प्रकाश व उनकी टीम ने पूर्णा गांव खंडगले अली स्थित मकान नंबर 59 पर छापा मारकर बिजली उपभोक्ता मयूरी मुकेश को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। मयूरी अपने आर्थिक फायदे के खातिर बिजली पोल में अवैध कनेक्शन कर पिछले 1 सालों में 6,269 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हुए 1,66,943 रुपए की बिजली चोरी की। शांतिनगर पुलिस ने बिजली उपभोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया और कर रही मामले की जाँच। रमी जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा। राज्य सरकार ने जुआ खेलने व खिलाने पर बैन लगाया हुआ है। शहर पुलिस इस पर कार्रवाई करते हुए कनेरी तेलीपाड़ा के शांति सेठ की बिल्डिंग में छापा मारकर 13 जुआरों को हिरासत में लिया। जुए का अड्डा चलाने वाला मुख्य आरोपी पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। पुलिस ने इस जुआ के अड्डे से 11,900 रुपए नकदी बरामद की, साथ ही 13 जुआरियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है जाँच। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित मानकोली उड़ान पुल के पीछे इंडियन पेट्रोल पंप के सामने कल सुबह 7 बजे के करीब अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण युवक का सिर गंभीर रूप से चोटिल हो गया और उसी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राजेश के रूप में हुई, जो अशोकनगर में रहता था। मृतक के पिता राजेश सदानंद ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नारपली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा में मचा जमकर बवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक और रैली में उपद्रव हो गया। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश की रैली में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। अखिलेश यादव लालगंज सीट से सरायमीर में जनसभा कर रहे थे और इस दरमियान अखिलेश यादव को देखने के लिए लोग अफरा तफरी करने लगे और इसमें कुर्सी भी टूट गई। बीते 1 हफ्ते में ये तीसरी बार है जब अखिलेश की चुनावी सभा में भीड़ व्यवस्थाओं पर भारी पड़ गई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाबा रामदेव की पतंजलि प्रोडक्ट सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। कोर्ट ने मैनेजर सहित कुछ लोगों को सुनाया 6 महीने की सजा। जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि 2019 के एक मामले में पतंजलि की सोन पापड़ी को क्वालिटी टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में पतंजलि कंपनी के मैनेजर सहित और लोगों को भी 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और भारी जुर्माना भी लगाया। HSC बोर्ड एग्जाम रिजल्ट हुआ डिक्लेयर, लड़की ने मारी बाजी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का HSC का रिजल्ट आज आ गया। पूरे स्टेट में 14,23,970 स्टूडेंट्स ने क्लास 12 का एग्जाम दिया था, जिसमें से इस साल 93% स्टूडेंट पास हुए हैं। वहीं संभाजी नगर की तनिषा ने महाराष्ट्र टॉप किया है। तनिषा बोरमनिकर छत्रपति संभाजी नगर के देवगिरी कॉलेज की छात्र है। उन्होंने 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षा में कुल 582 अंक हासिल किए थे और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें 18 मार्क्स और दिए गए, जिससे उन्हें 600 में से 600 पूरे मिले। इस रिजल्ट में हमेशा की तरह लड़कियों ने बाजी मारी है, जबकि कोंकण डिवीजन अव्वल रहा है। 8 बार BJP को वोट करने वाला युवक के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक ने BJP को 8 बार वोट दिया है। वीडियो को समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने पोस्ट करके कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने वोट डालने वाले युवक रजन सिंह को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ IPC की धारा 171F, 419 व IT एक्ट की धारा 66 व लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 132, 136, 128 के किया मामला दर्ज और पोलिंग बूथ के सभी कर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। मोबाइल चार्जर को लेकर हुए विवाद में एक युवक घायल। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई सबर्ब के गोरेगांव ईस्ट में 21 वर्षीय कृष्णा और 38 वर्षीय नरेश के बीच चार्जर को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद गुस्साए नरेश ने कृष्णा पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। स्थानिकों ने कृष्णा को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वन राय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कर रही आगे की जांच।
आज सेंसेक्स 52 अंकों की गिरावट के साथ 73,953 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 27 अंकों की बढ़त के साथ 22,529 पर हुआ बंद। गोल्ड 74,018 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 94,681 और क्रूड ऑयल 6,570 पे ट्रेड करते हुए।